दोस्तों जिस बात का डर था वही हुआ आखिरकार। दोस्तों जो काशिफ जो है कबूतर लाया था उनमें से एक कबूतर हमारा मर गया। तो दोस्तों मैं आपको दिखा दूं, दोस्तों ये रहा कबूतर हमारा। यार इसको उठाओ हमजा, उठाओ हाथ में उठाओ थोड़ा सा। यार ये हमारा कबूतर मर गया, कल ही बेचारा बहुत बीमार था यार। यार चलो दोस्तों हम दफना के फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। दोस्तों हम अपने कबूतर को जो है दफना कर वापस आ चुके हैं, लेकिन दोस्तों अफसोस बहुत हो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन काशिफ को भी पता नहीं था कि ऐसा होगा, कि कबूतर बहुत बीमार था दोस्तों, और बस एहतियात करेंगे कि ऐसा ना हो। दोस्तों ये हमारे बजीज जो है माशाल्लाह बहुत खुश हैं इस केज में, और आपको एक नई खुशखबरी भी दे दें। यार थोड़ा सा ये पकड़ना भाई, ख्याल से एक मिनट भाई। दोस्तों ये हमारी तोती जो है ना इसमें अंदर बैठी हुई है, माशाल्लाह से 4-5 अंडे भी दिए हैं इसी नहीं। ये मैं आपको दिखा दूँ शायद करीब से, 1, 2, 3, 4, 5 अंडे हैं यार, 5 अंडे दे दिए भाई। तुम खुश हो भाई? हाँ भाई। दोस्तों माशाल्लाह मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि बजीज ने काफ़ी हमें खुश किया है। ये तो अंडे ही नहीं दे रहे थे 2-3 महीने से, लेकिन अचानक से ये एक तोती ने तकरीबन 5-6 अंडे दे दिए हैं, और बहुत खुशी की बात है माशाल्लाह। और हमारा नया दोस्त भी बहुत खुश है। हाँ भाई खुश हो ना भाई? यार जब भी इनको रेसर को छोड़ा करो ना तो ये दरवाज़ा बंद होना चाहिए, ठीक है, वरना मैं तुम्हें अंदर बंद कर दूंगा इसमें, सही है ना भाई? ये हमारे जो बजीज है ना भाग जाते हैं, ये सामने हमारे बजीज खेल रहे हैं, और ये हमारा बैठा हुआ है। यार इजारो उजेर हो भाई, भाई उजेर उजेर। दोस्तों ये दोनों जुड़वा हैं भाई, हमें पता नहीं चलता, एक तो नीचे गया हुआ है और एक यहाँ पे आता है माशाल्लाह से हमारा माहौल देखने। दोस्तों ये हमारे रेसर का बच्चा जो है ना वो भी माशाल्लाह से बड़ा हो रहा है, और बिल्कुल हूबहू अपने माँ बाप पर गए हैं। दोस्तों दोस्तों ये कहाँ पे आकर बैठ गए हैं, ये तो हालत देखो, देखा ये? तभी मैं ये वाला दरवाज़ा जो है ना बंद रखता हूँ, क्योंकि सामने जो है ना बिल्कुल खुला हुआ है, इसी वजह से ये चले ना जाए। हाँ दोस्तों तो ये हमारा रेसर का बच्चा है, और आहिस्ता आहिस्ता ये भी बड़ा हो रहा है। दोस्तों रेसर ने 2 अंडे दिए थे, 1 अंडा ख़राब हो गया और 1 में से बच्चा निकल आया, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों हम आपको अपने फिशर लवबर्ड की भी अपडेट दे दें, ये भी कितने प्यारे हैं माशाल्लाह से, 2-3 दिन हो गए हैं ये हमारे सेटअप पर हैं। अब तक तो इनको पता चल गया होगा कि ये हमारा घर है, तभी इसी तरह से घूम रहे हैं। दोस्तों इनके लिए हमें बाजरा वाजरा रखता हूँ और थोड़ा सा पानी, और फिलहाल हमने दोस्तों मट्टी वगैरह नहीं लगाई है, वो इंशाल्लाह ताला लग जाएगी। दोस्तों हमारी 4 बर्दक थी आपको पता है, उनमें से एक जो है सबसे बड़ी थी, वो आप देख सकते हैं कि कितने माशाल्लाह से पर भी आ चुके हैं, और सबसे ज़्यादा जो शोर करती है ना वो ये है। दोस्तों देखें अभी भी देखें छोड़ा इनको, दोस्तों देखें सबसे ज़्यादा बड़ी जो है ये है, ये आपको नज़र आ रही होगी, और इनका अभी आवाज़ भी चेंज हो चुका है, अभी ये सीटी की तरह आवाज़ नहीं करती है, इनका जो रियल आवाज़ है ना वही ये आवाज़ करती है। हाँ भाई कैसे ऐसे करती है सही है भाई, हमें तो भाई आवाज़ बनाना नहीं आती इसकी। बाकी दोस्तों ये हमारे जो चूज़े हैं ना ये बड़े नहीं होंगे कभी, ये फार्म पे पता नहीं किस तरह बड़े होते हैं, वो इंजेक्शन लगा लगा कर जो है ना 5 दिन का चूज़ा जो है ना 25 दिन का चूज़ा हमें दिखाई देता है। नहीं भाई उसे सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ भाई पार्लर ही साहब, हाँ। सही कह रहा हूँ ना? हाँ, सही कह। तो दोस्तों पता नहीं यहाँ तो ये बड़े ही नहीं हो रहे, इसका मतलब है वो फार्म पे कुछ ना कुछ तो करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, तो हम तो ऐसा कुछ करते नहीं है। ये दोस्तों वाइट कलर का रॉबिट जा रहा है सामने, तो नज़र आ रहा है सामने। अरे यार क्या कर रहे हो भाई, छोड़ो यार, नहीं नहीं इसको पकड़ो, नहीं छोड़ दो।
दोस्तों कुछ कबूतर हमारे वहाँ सामने बैठे हुए हैं और बाकी हमारे शायद उड़ रहे हैं। ये सामने उड़ रहा है ना, ये हमारा कबूतर है दोस्तों, और दो ये ऊपर बैठे हुए हैं ये सामने। दोस्तों एक कबूतर वो हमारा उड़ रहा है ऊपर। दोस्तों ये सारे उड़ा दिए हमारे दोस्त ने। दोस्तों हमारे सारे परिंदे जो हैं नीचे हैं और आ चुके हैं, कबूतर भी नीचे, कुछ कबूतर ऊपर हैं ये आप देख सकते हैं, बाकी सारे आ चुके हैं और तीन कबूतर वहाँ ऊपर बैठे हुए हैं। ये यहाँ पे उदयर भाई आराम कर रहा है कुर्सी पर, पता नहीं क्या कर रहा है भाई। भाई क्या कर रहे हो यार, बताओ कुछ। ऐसे ही बैठा हूं। क्यों बैठे हो भाई, देखो हालत देखो यार, स्केटिंग कर रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, ऐसे ही वहाँ से भाग के आ गया है। दोस्तों अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि हमारा एक और चूज़ा जो है वो मर चुका है दोस्तों, तकरीबन एक दो घंटे हो गए हैं। तो दोस्तों मैं जैसे ऊपर आया तो मुझे मालूम हुआ कि हमारा ये वाला जो चूज़ा है ये बेचारा मर चुका है। दोस्तों कल परसों से ही इसकी हालत बहुत ख़राब थी और ऐसा लग रहा था कि ये मर जाएगा, लेकिन दोस्तों ये वाले जो फार्मी चूज़े हैं ये कहाँ किसी के घर ठहरते हैं। दोस्तों हमारे सेटअप पर ये तकरीबन एक डेढ़ महीना रहे थे, लेकिन उसके बाद एक एक करके ये मरते गए और ये आज मर गया। तो दोस्तों चलते हैं इसको नीचे दफनाने, फिर आपसे मिलते हैं। और दोस्तों हमने अपने परिंदों को पालक दी है, ये बहुत शौक से खाते हैं, खास करके जो मुर्गियां और मुर्गा है ये पालक जो है बहुत शौक से खाते हैं, और साथ ही साथ जो हमारी डक्स हैं वो भी दोस्तों सब चीज़ें खाती हैं। माशाल्लाह से सारे कबूतर हमारे नीचे हैं, मैंने सारे कबूतर को खोल दिया है। दोस्तों ये दो चूज़े हैं फार्मी, एक येरा अंदर है, बस दोस्तों ये दो चूज़े हमारे पास बचे हैं फार्मी वाले। दोस्तों ये जो पांच चूज़े हम लाए थे ना, ये तो माशाल्लाह से एक्टिव हैं, एक दो तीन और चार और एक शायद अंदर है, ये रहा पाँच। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विलेज एट माय रूट को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।